नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। समाजवादी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम साइकिल यात्रा लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष यादव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल से 40 जिलों की 42 लोकसभा 202 विधानसभाओं में 8500 किलोमीटर की यात्रा 208 दिन चलकर परम श्रद्धे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के पात्रक जन्मस्थान ग्राम सैफई में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की अध्यक्षता में जाकर समाप्त हुई। सभी साइकिल यात्रियों का अखिलेश यादव ने सम्मान किया तथा सभी को धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव मैनपुरी, सांसद डिंपल यादव, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, पूर्व परिवहन मंत्री शिवपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद बदायूं धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद फिरोजाबाद अक्षय यादव, पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, पूर्व विधायक मैनपुरी राजू यादव, एमएलसी अरविंद यादव, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रावल सिंह यादव, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा दास लोधी, प्राचार्य नेशनल महाविद्यालय भोगाम अनिल एस पाल तथा पार्टी के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी के रहने और खाने की व्यवस्था सैफई में की गई है। कल 23 नवंबर 2023 को परम श्रद्धे मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन सभी ग्रामीण अंचल के लोग तथा पार्टी के हजारों कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ तथा भव्यता के साथ एक यादगार के रूप में मनाने के लिए साजो सज्जा में लगातार लगे हुए हैं। उनके गांव को बड़ी भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। करहल से एएसबी संवाददाता सर्वेंद्र दुबे के साथ कैमरामैन जितेंद्र दुबे। डॉक्टर से बात की सुबह तो डॉक्टर कह रहे थे कि वो ये वार्ड में रुकना नहीं चाहता है, वो अभी भागना चाहता है। और मैं जानता हूँ इस बात को, आप लोग भी जानते होंगे कि अस्पताल में जैसे ही थोड़ा व्यक्ति ठीक होता है या उसको लगने लगता है कि अब मैं ठीक हूँ तो वो अस्पताल का बिस्तर छोड़ करके भागना चाहता है। मैंने ही डॉक्टर साहब से कहा कि एक शाम और रोक लो उन्हें, क्योंकि थोड़ा बीमार है, अभी ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उनसे भी मिलेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे साथियों ने कई परेशानियों का सामना किया है। आप लोग लगभग 40 जिले गए हैं और 8500 किलोमीटर से ज्यादा आपने पदयात्रा और साइकिल के माध्यम से लोगों के बीच में गए हैं। शायद देश में बहुत ही कम दल के नेता रहे होंगे या नौजवान रहे होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की होगी। और अभी यात्रा ये खत्म नहीं हुई है, ये यात्रा अभी और चलनी है। ये बीच में इसलिए विराम लगा है क्योंकि चुनाव हमारे सामने है, कुछ दिन की छुट्टी, उसके बाद चुनाव के बाद आपको उत्तर प्रदेश फिर घूमना है। और हो सकता है 24 में अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो आपको 27 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 24 के बाद ही कुछ हिसाब के बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।